अभी यहाँ पे 2700। मिली मेरी जो लाइन है वो हमने इंक्लाइन निकाल ली। ओके जीरो। अच्छा हाँ अच्छा मतलब सीधा नहीं होगा, पर ऐसे ड्राइंग में तो सीधा ही दिखा है इन लोगों ने। अभी वो जो 1400 14400 का जो डिस्टेंस है ना, 400। हाँ हाँ वो हॉरिजेंटल लिया है, ऐसे आप पकड़ लो, मतलब हाँ अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजेंटल का डिस्टेंस है। और इसको अभी दोनों तरफ हमें स्ट्रेट स्ट्रेट ही चाहिए रहेगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे DIV एंटर करके, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, अच्छा और कितने रहेंगे ये कॉलम रहेंगे उस हिसाब से आपको ये एक करना। दो तीन चार पाँच छः सात सात तो 7 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ओके PTY एंटर, ये अभी इसके ऊपर ही इसका पहले ऑफसेट ले लो बाहर की तरफ, 250 का 250 नहीं, वॉल का जो डिस्टेंस 125 नहीं, वॉल का कितना दिया है, 10 इंच बाय 10 इंच का ब्रिक वॉल है ना, हाँ 5 125 mm थिकनेस बाउंड्री। फाइंस का बोल है, इसको ऑफसेट ले लो बाहर की तरफ, वो एंटर, 5 का डिस्टेंस है, 5 इंच का है मतलब। सर मतलब 125। हाँ ये जो पोजीशन रहेगा ये कौन से, ये कौन सा 250 का पिलर है ना, 125 250 250 250 ये ऐसे हम निकाल देंगे। अच्छा वो राउंड वाला ट्रिम करना होगा, बस ये डॉट है ना, ठीक अच्छा अभी इन इसका अंदर का जो है वो ट्रिम करना पड़ेगा। ये तो डॉट है, अभी यही हम कॉपी कर लेंगे। एंटर, या फिर आप एरे कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस मेजर कर लो, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से
भी डिस्टेंस भी इधर ऑड आया है, 3-3-2-1, तो हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, कॉपी अरे बात है वो तो है, बात है तुमसे सुनते जीरो। किसके सर 20 वैल्यू किसके अब दे रहे, हाँ? वो जो प्लॉट साइज या कुछ दिखा ना, 20 वैल्यू पुट कर रहे, वो किस ये जो लिए? पॉइंट का जो साइज है ना PTY, अच्छा ये हाँ। छोटा होगा, ये मैं 80 देता हूँ। ये भी 20 हो जाएगा। हाँ पॉइंट की साइज बढ़ जाएगी, मतलब इजीली अच्छा विजिबल। अच्छा 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 ज्यादा जूम इन करना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कॉपी हुँ। करना है आपको और बाद में हुँ। इसको करना है। ठीक है, ठीक ओके। है, आर डबल एंटर करके करने उसके बाद अभी पॉइंट का स्टाइल फिर से चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे नन कर देता हूँ, मतलब दिखेगा अच्छा नहीं, ये सब ऐसे आ जाएगा। सर, इस साइड में भी तो एक मतलब सेम ही होगा पर अलग वैल्यू होगा शायद, क्योंकि इधर तो 2370 है। अभी हाँ वो स्ट्रेट में रहेगा तो ठीक है, स्ट्रेट में नहीं रहेगा हाँ तो हमें वो यूज करना, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 2370 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा ठीक है, और सर वो एंट्रेंस वाला साइन कैसे करना होगा, ये वाला नीच में कौन जो 2000 एंट्रेंस लिख के जो दिया है ना, ये एंट्रेंस वाला लिखा है ना एक। ये वाला, ये वाला वो जस्ट हाँ। लाइन कमांड से ही बनाना है। हाँ अच्छा मतलब अलाइंट करना होगा वो उस तरफ। ये जितना भी डिस्टेंस रहेगा ना वहां से आप एक्स्ट्रा ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा। कंसिडर करो इतना एंट्रेंस है, ये पॉइंट से मैं एक 20 का डिस्टेंस देता हूँ, ट्वेंटी अच्छा 40 ऐड करता हूँ, और ये पॉइंट मिल गया। यही लाइन में मिरर ये पॉइंट से इंक्रीमेंट कर, एल एंटर कर लो, ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कर लो, ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे अच्छा अच्छा अब मिल। हाँ टी ट्रिम करना होगा राइट। ठीक है, और बाकी का प्रैक्टिस वगैरह चल रहा था क्या? हाँ थोड़ा कर रहा था पर अभी मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहा था प्रैक्टिस कुछ ठीक है, चले कुछ। हाँ मैं संडे को मतलब टुमारो प्रैक्टिस करूंगा ठीक है, अभी 2 पॉइंट लेते हैं पर्सपेक्टिव। ज्यादा। ठीक है अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट हमारे रहेंगे, उससे हम रेज निकालेंगे, जैसे सब ड्राइंग से। ठीक है, ये वाला आप ट्राई कर लो, अभी आप ड्राइंग देखोगे तो ये लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है और राइट साइड में एक पॉइंट है। ओके, उधर से उन्होंने रेज वगैरह पास किए हैं और बाद में वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस से ये पूरा डायग्राम बना। ओके, सर तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज कहाँ मतलब किस लिए करते हैं हम? ये पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं थे ना तो हाथ से जब ड्राइंग बनाते अच्छा
अच्छा उस टाइम ओके ठीक है, ये जो है अच्छा इंटरव्यू। तो अभी हम कुछ जस्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, 3D नहीं बनाना, बस कुछ रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम 2 पॉइंट लूज। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन निकाल लो, एक वर्टिकल लाइन निकाल लो, ठीक है। अभी ये लाइन में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, DIV, एंटर, ठीक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, पॉइंट की स्टाइल चेंज कर लिए, PTY, एंटर। यहाँ पे मैंने पॉइंट की स्टाइल चेंज कर ली। अब ये जब जूम इन होगा जैसे बढ़ेंगे वो, इसकी साइज बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको PTY एंटर करके एब्सोल्यूट सेट कर लें। पॉइंट साइज ओके यहाँ पे मैंने अभी 1 दे दी, 1 1 छोटी हो रही है, इसको 10 कर लेते हैं।2 ओके अभी सेम यहाँ से आपको रेज बनानी है, यहाँ से यहाँ तक मतलब हर पॉइंट को कॉर्नर की पॉइंट से ज्वाइन करना होता है 2 पॉइंट से हमें ये रेज निकालनी है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप वहीं पे पॉइंट ले, आप किधर भी ले सकते हो, पर वो डायग्राम सिंपल देखने के लिए हम वैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे मैं वर्टिकल बना लेता हूँ, आपको एक्स्ट्रा जो भी लाइन निकालनी है वो एक तो वर्टिकल रहेगी फिर हॉरिजेंटल रहेगी। इसे वर्टिकल सर लाइन ये जो वर्टिकल लाइन हम ले रहे हैं मतलब इसके ऑफसेट डिस्टेंस कितना होगा, मतलब अभी यहाँ कुछ पे, हाँ फिक्स होगा ये भाई या रैंडम दे सकते हैं? रैंडम दे दिया हमने। अभी यहाँ पे ये जो बीच में की जो बिल्डिंग है ओके, इसको अंदर की तरफ हमें विंडोज वगैरह बनानी। यार डबल एंटर करके ये ट्रिम कर लो, ये ट्रिम कर लो, ये ट्रिम कर लो। बीच में का डिस्टेंस मैं भी डिलीट कर, सर एक बीच में जो डबल लाइन दिया है वो क्या डबल ही होगा? बड़ी वाली विंडो वगैरह दिखा सकते हैं या फिर ये ट्रिम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, वो विदाउट मैंने डायमेंशन दिखा, विदाउट मैंने पॉइंट्स वगैरह डिवाइड नहीं किया ना, इसलिए वो डिस्टर्ब है। अभी ये बीच में का डिस्टेंस डिलीट किया, यहाँ से डिलीट किया है, ठीक है, सेम इस साइड में वगैरह, ठीक है, यहाँ पे एक ही बना सकते हैं। अभी ये वाली जो रहेगी वो सेकंड बिल्डिंग है, तो इसको इसको साइड व्यू बनाना है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट जाएगा इस ठीक तरफ, और इसका यहाँ पे डबल एंटर, ये ट्रिम किया, ये सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर लो। अच्छा इसके अंदर का आपको ट्रिम करना है, यहाँ से मैंने यहाँ तक क्लिक कर लिया।
सर एक साथ हम जब ट्रिम कर रहे हैं तो ट्रिम इंटर करके एक मतलब कैसे कर रहे हैं, एक लाइन खींच कर कैसे आप कर रहे हैं ट्रिम, मतलब कौन सी सारे एक साथ? सिंगल लाइन से हाँ हाँ ही? मतलब अच्छा, ये लाइन देखकर राइट क्लिक करके। अच्छा नहीं, लेफ्ट क्लिक ही अच्छा है। अच्छा आपका वर्जन कौन सा है? 22। 22 है ना। तो एक बार आपने यहाँ पे सिर्फ क्लिक कर लो और माउस नीचे करो, ऑटोमेटिकली अच्छा, वो ड्रैग करना होगा, माउस ड्रैग करना होगा नीचे तरफ। लेफ्ट क्लिक आपको प्रेस करके नहीं रखना है, सिर्फ एक बार क्लिक कर दो, अच्छा लेफ्ट क्लिक छोड़ दो अच्छा और माउस नीचे अच्छा करो। अच्छा 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 ओके। अभी ये जो पॉइंट रहेगा वो इस साइड जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे बन गया। फिर ये बिल्डिंग के लिए ये पॉइंट यहाँ पे गया और ये पॉइंट यार डबल एंटर, ये फ्रेम और ये फ्रेम इसके लिए ये वाला। सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मतलब ये जो पहले होता था इसका ही मॉडिफाइड वर्जन अगर हम अभी 3D का कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे, मतलब उसमें क्या है, ऐसा ही एप्लीकेशन होता है? नहीं, अभी ये जस्ट क्या है, टू पॉइंट हमारा पेपर ही है ना, पेपर पे हम हाँ लाइन से निकाल रहे हैं। ओके, इसका कुछ 3D वगैरह नहीं है। 3D में क्या रहेगा, इसका अच्छा बैक व्यू वगैरह सब रहेगा, इसका पीछे का व्यू अच्छा वगैरह अच्छा आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, जस्ट एक पेपर है, पेपर अच्छा पे हमने ड्रॉ अच्छा किया। अच्छा 3D में इसका बॉटम व्यू दिखेगा, बैक व्यू दिखेगा, रियर व्यू, साइड व्यू वगैरह सब दिखेंगे। ये जस्ट एक इमेजिनेशन का पार्ट है कि ओके। आपको कैसे, जो भी 3D रहेगा वो कैसे किस हाँ डायरेक्शन में कैसे दिखेगा वो। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन निकाल ली। ओके, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट जो है तो इस साइड की तरफ, सेम ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ। एक ज़रा सा एक छोटी सी और एक लाइन निकाल लिए, सेम इसका थिकनेस दिखाने के लिए यहाँ पे एक लाइन निकाल लेता हूँ, ये पॉइंट से यहाँ तक लाइन निकाल। ठीक है, ये वैल्यू कितना दे रहा है उसे? ये डायरेक्टली अब विदाउट मेजरमेंट कर दूंगा, जस्ट एक परस्पेक्टिव है ना, कौन से परस्पेक्टिव, 2.6 अच्छा अच्छा से अच्छा दिखने वाले हैं वो हमें दिखाना ओके है विदाउट एनी डायमेंशन। ओके PR डबल एंटर, गेट फ्रेम, ऊपर का बीच में ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, ये से आप 2 पॉइंट परस्पेक्टिव में काम कर सकते हैं। ये लगता नहीं है पर ये जस्ट इमेजिनेशन का पार्ट है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, ये सब इंटीरियर डिटेल में अगर उन्होंने करना। हाँ सर, मैं 2.5 हाँ सर, इसको आप कलर कर सकते हो, एच एंटर करके। ठीक ऐसे कलर वगैरह कर सकते हो, हैचिंग ग्रेडिएंट ओके का। ठीक है, ये हो गया 2.5। ओके हमारे टॉपिक्स आपने लिखे लिखे क्या? सर, सिलेबस हाँ, सिलेबस।
नहीं सर, आपने शायद नहीं भेजा। ठीक है, लिख लो, ड्रॉ लिख लो। इसके अच्छा आगे मॉडिफाई लिख लो। ड्रॉ मॉडिफाई अनोटेशन, सर, नेक्स्ट क्या? अच्छा अनोटेशंस ये वाला। अनोटेशन, लेयर्स, लेयर्स, ब्लॉक ड्रॉप, ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक, इसके बाद ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स, ओके, ठीक उसके बाद मैच प्रॉपर्टीज। है। मतलब ये जो रिबॉन पोर्शन में दिया है ये सारे? हाँ, अच्छा मैच प्रॉपर्टीज के बाद ग्रुप, उसके बाद डिजाइन सेंटर, टूल पैलेट्स, उसके बाद 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक एक्सटर्नल रेफरेंसेस और प्रिंटआउट सेटिंग्स। हेलो सर, एक्सटर्नल ब्रेक हो रहा है रेफरेंसेस, सर। एक्सटर्नल रेफरेंसेस के बाद प्रिंटआउट सेटिंग, प्रिंट प्रिंटआउट सेटिंग, प्लॉट सेटिंग। आउट, ओके, ग्रुप के बाद क्या क्या लिखा हमने? ग्रुप के बाद लिखा मैच प्रॉपर्टीज, टूल पैलेट्स, 1.2 पॉइंट, आइसोमेट्रिक व्यू, प्लॉट सेटिंग। सर एक्सटर्नल रेफरेंसेस लिखा। वो सुनाई नहीं दिया, एक्सटर्नल रेफरेंसेस, हाँ ओके, ठीक है, ये हमारा 2D का टॉपिक है सर। ओके। अभी इसमें क्या क्या बचा है हमारा? प्लॉट सेटिंग, ओके okay. प्लॉट सेटिंग, टूल पैलेट, ब्लॉक ब्लॉक नहीं हुआ, ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स नहीं हुआ है। हाँ टूल पैलेट्स हमने देखा ना, डोर, ये डोर वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं, टीपी एंटर, यहाँ वो, अच्छा वो ठीक है। पे आर्किटेक्चर में डोर भी होते हाँ, सर ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स नहीं हुआ है। ठीक है। ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स लेते हैं। ओके, हाँ हेलो, जी, ठीक, ग्रुप ब्लॉक हुआ हमारा। ब्लॉक हाँ नहीं, अपने लेयर दिखाया था। अभी यहाँ पे कंसिडर करो, आपको एक बेड वगैरह बनाना है या फिर सोफा वगैरह बनाना है, और वो आपको सेव कर लेना है ना। सॉफ्टवेयर में ब्लॉक्स हमने देख लिया, बीच में एंटर करके, यहाँ पे डिजाइन सेंटर है, हाँ होम स्पेस से हमने ब्लॉक्स वगैरह कॉल किए हाँ थे, तो इसमें ब्लॉक्स भी है, हमें एक्स्ट्रा ब्लॉक्स वगैरह चाहिए रहेंगे तो अपने एक से वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, पर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, तो बना के आप सेव कर सकते हो। तो लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, फिलेट वगैरह, ये सब ऑप्शन बना के आप ब्लॉक बना सकते हो। ठीक है, ब्लॉक में क्या रहेगा, ओके, ये जब आप सिलेक्ट करते हो तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अभी ये मैंने जो ड्राइंग निकाला है इसमें टोटल सब सिलेक्ट नहीं हुआ, ये अंदर की सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले अच्छा, ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद बी एंटर करेंगे। ठीक, यहाँ पे आप आपको नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बेड वन वगैरह नाम देता हूँ। सबसे पहले नाम देना है, पिक पॉइंट देना है, पिक पॉइंट में
ये वाला लेता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये सब सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाया और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अभी ये मैं सिर्फ फिर से सिलेक्ट करूंगा तो पूरा सब सिलेक्ट हो जाएगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले ड्राइंग बनाया, सबसे पहले तो विंडो बनाता हूँ मैं, डायमेंशन के हिसाब से आपको बनाना है ड्राइंग, उसके बाद आपको बी एंटर करना। बी एंटर करके यहाँ पे नाम देना है विंडो, उसके बाद यहाँ पे पिक पॉइंट का ऑप्शन है, ये पिक पॉइंट हाँ दिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ये पूरा आपको सिलेक्ट करना है, एंटर और यहाँ पे ओके किया, ये ब्लॉक ओके की कर। अच्छा अभी हमारा जो प्लान रहेगा, तो प्लान में हमें कंसीडर करो, ये जो ब्लॉक वो करेंगे वो बहुत मतलब आपको लगने वाले हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ये बना के सेव कर दीजिए और कंसीडर करो, अभी ये जो ब्लॉक्स है इसको नंबरिंग भी अलग अलग देना। अच्छा मतलब ये जब आप प्लेस कर रहे हो तो विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4 इससे आपको डाल दें, ठीक? हाँ हाँ तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोसीजर लिख लो, ब्लॉक विद एट्रीब्यूट्स का, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेकंड डिफाइन एट्रीब्यूट्स, सेकेंड डिफाइन एट्रीब्यूट्स, डिफाइन एट्रीब्यूट्स डिफाइन एट्रीब्यूट्स में फर्स्ट स्टेप डाल दो, ए नंबर वगैरह देखो उसमें, टैग, TAG टैग, पीजी टैग टैग में इंक्लूड यू एनीथिंग, जी हाँ नेक्स्ट उसके बाद प्रॉम्प्ट लिख फ्रॉम लो, PROMPT, फ्रॉम फ्रॉम में लिख लो क्वेश्चन, उसके नीचे लिख लो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में लिख लो आंसर, और लास्ट स्टेप रहेगी क्रिएट अ ब्लॉक। डिफॉल्ट में आंसर हाँ आंसर, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर। प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन क्राउन में क्वेश्चन, ओके ठीक है? अभी यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर क्या है, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, ओके के बाद क्या है, डिफाइन एट्रीब्यूट डिफाइन एट्रीब्यूट्स के आगे लिख लो AWT एंटर, उसके बाद अभी टैग देना है, टैग में आप कुछ भी डाल सकते हो, ओके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक? यहाँ पे मैं कंपनी अच्छा का नाम वगैरह से लिख सकता हूँ, प्रॉन अच्छा कोई अच्छा कुछ भी हाँ क्वेश्चन में रहेगा हमारा क्वेश्चन, ओके वोल्टेज विंडो नंबर, ओके उसके बाद हाँ नंबर विंडो 1, तो साइज वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हो, व्हाट इज विंडो साइज, उसका आपको आंसर मिलेगा, कि मल्टीपल चाहिए तो आप मल्टीपल बार इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब ओके फिर से आपको AWT एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको साइज वगैरह डालना है तो साइज वगैरह डाल सकते, और लास्ट में अभी क्या करना है आपको, बी एंटर करना है, बी एंटर में नाम दे दो,
विंडो 1 2 3 4 एक पॉइंट में ये वाला लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट आउटपुट में ये पूरा सब सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया और यहाँ पे अभी ओके कर दिया। यहाँ पे भी पूछेगा अच्छा व्हाट इज विंडो नंबर, विंडो 1 ओके आया है। फिर वन, यहाँ से जब आप अच्छा इंसर्ट करोगे विंडो, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा विंडो 2 तो अच्छा ओके हाँ, इंसर्ट, मतलब साइज सेम ही रहेगा। साइज सेम ही रहेगा सिर्फ उसका टेस्ट अच्छा बनेगा। हाँ, वो ही अलग होगा। तो ये हो गया ब्लॉक विद एट्रिब्यूट्स ओके। और एक इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी कंपनी में कैसा रहता है कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहते हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट में आपको तो क्या रहता है वैल्यूज वगैरह चेंज करने, मतलब नेम यहाँ पे लेफ्ट साइड में कांस्टेंट रहेगा, राइट साइड का जो वैल्यू रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो मैं जो वैल्यू अच्छा कांस्टेंट रहेगा वो टेक्स्ट से देता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया मैंने और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ ओके। ओके कंट्रोल के यहाँ पे हाइट उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो आप या फिर टाइप इसका ही टाइप कर सकते हो। अभी ये दोनों मैंने टेक्स्ट से दिए, राइट साइड के जो वैल्यू रहे आपको एट्रीब्यूट से AWT एंटर ओके AWT एंटर। अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले टैग में कुछ भी डाल दो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं डालता हूँ व्हाट इज प्रोजेक्ट नेम क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं डालता हूँ 3B6K। अभी यहाँ पे आपको टेक्स्ट की हाइट देनी है 50 ओके किया और यहाँ पे मैं प्लेस करूँ, फिर अच्छा से ATT एंटर किया। टैग में कुछ भी डाल दो, प्रॉम्प्ट में रहेगा क्वेश्चन व्हाट इज डेट और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट डेट डाल दूँ। कॉपी किया और यहाँ पे मैं प्लेस कर देता। अभी लास्ट में आपको अच्छा ब्लॉक करना है, पहले ही ब्लॉक नहीं करना है ओके। बी एंटर ब्लॉक के लिए यहाँ पे शीट टेम्पलेट मैंने ब्लॉक का नाम दे दिया, पिक पॉइंट पे ये पिक पॉइंट लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में ये पूरा सब आप सिलेक्ट करना ओके, अच्छा एंटर दबा दो, एंटर दबा के यहाँ पे ओके कर दो। यहाँ ओके पे पूछेगा व्हाट इज डेट, यहाँ पे डेट आ गया, व्हाट इज प्रोजेक्ट नेम 3B6। यहाँ पे अभी आपको प्रोजेक्ट अच्छा नया टेम्पलेट लेना है, इंसर्ट में जाके ये शीट टेम्पलेट ले लो, यहाँ पे क्लिक करो ओके। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है, 25 तारीख है अच्छा और यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसिडर करो 2BHK या फिर 1BHK, इसको यहाँ पे ठीक अच्छा है। चेंज होता अभी यही फाइल क्या कर सकते हो आप, सेव एज में जाके यहाँ पे DWG की जगह पे DWT करना है, ऑटोकैड ड्राइंग टेम्पलेट ये लिख लो है। अच्छा और इसको नाम देता हूँ मैं माय टेम्पलेट। और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हाँ हूँ ओके किया, तो ये क्या होगा माय टेम्पलेट के नाम से सेव होगा। अभी अच्छा आपको कॉल करना रहेगा, जब आप नई नया ड्राइंग स्टार्ट करते हो तो क्या होता है सिंपल एक आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है विदाउट ये जो है वो एम्प्टी टेम्पलेट है। तो आपको हाँ ये वाली टेम्पलेट लेनी है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे न्यू का ऑप्शन रहता है या हाँ कंट्रोल एन भी कर सकते हो, यहाँ पे एक ऐड हम लेते हैं उसकी जगह पे आपको क्या ओके करना है माय टेम्पलेट टेम्पलेट लेना है माई टेम्पलेट ओपन, ओपन तो ये स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। इसके थ्रू आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ अच्छा पे वैल्यू आ गई, इसको मैं
2 BHK करता हूँ, यहाँ पे ये डेट है, डेट को मैं यहाँ पे 13 कर, इसको 13 12 यहाँ अच्छा पे 2 BHK, हाँ ये हो गया ब्लॉक विथ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे टीपी एंटर करोगे ना, तो 3 4 ब्लॉक फिर उन्होंने बेस बनाया इसमें। यहाँ पे मैकेनिकल में ये वाला है, ये वॉल इंपीरियल, अच्छा ये मैं जब प्लेस करता हूँ यहाँ पे ये पूछेगा, क्लिक किया मैंने, डेरी वॉल डिस्क्रिप्शन एंड साइज, मतलब यहाँ पे आप ABC डाले, आप यहाँ पे जो भी डालोगे वो वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मीटिंग खत्म हो गया, ओके आ गया वो वैल्यूज, ये हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, ये वैल्यू ठीक है, ये हो गया ब्लॉक भी देखते, आज इतना ही देखते। हाँ सर ठीक हाँ सर, अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तब तो प्रैक्टिस कर लूँगा। हाँ मैं अपलोड कर ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। दूँ। वेलकम।